Hi, I'm Archana Puran Singh and you're watching the Kapil Sharma Show. So subscribe to Set India and hit the bell icon. Tiger is like my younger brother. मुझे बड़ा proud feel होता है क्योंकि मेरा जैकी दादा से बहुत ज़्यादा प्यार है. तो जब Tiger की film hit होती है, जब मैं कोई अच्छी news सुनता हूँ, तो मुझे लगता है मेरा छोटा भाई जो है, वो तरक्की कर रहा है. मुझे दिल से खुशी होती है Tiger. Welcome. और जब मैं इतना प्यार करता हूँ, तो एक छोटी सी request भी कर ही सकता हूँ कि Tiger देखो साथ में पूरी आपने फिल्म कर दी है ना, तो अभी एक घंटे का शो है जी, तो थोड़ा अगर आप उधर हो जाए तो ये इधर आ जाए तो आपको क्या. अरे I'm just kidding. वो कह रहा नहीं 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 दूर ही रहते. जैकी आफ्टर डिशुम यू हैव चेंज्ड. कैसे? Nothing, you hurt me. Okay. मम्मी मम्मी कुड़ी तो खिवाज निकली. अच्छा ओके सॉरी. धोखा कितना रहने दो पाजी. ठीक है. वो डॉक्टर गुलाटी का है. कौन मर गया वो, उसका नाम मत लो. अच्छा इस फिल्म में फ्लाइंग जेट में टाइगर इज प्लेइंग ए सुपर हीरो जिनको ऊंचाई से डर लगता है. अभी मैंने इनको रिक्वेस्ट की, मैंने कहा भाई हमारा नया शो है, अभी काफी लंबा चलाना है, तो हमारा सेट मत तोड़ना, चुपचाप चल के आओ. तो अच्छे बच्चे की तरह चल के आए. असल में टाइगर को किस चीज से डर लगता है टाइगर? माँ बाप से. वो भी काफी ऊंचे हैं इसलिए जैकी दादा की हाइट का. और किस चीज से लगता है आपको? जब मैं कुछ कर नहीं पाता सर, जैसे कि एक स्टंट हो जाए या एक डांस स्टेप हो या एक सीन हो. ये इनका बड़प्पन ऐसा बोलते हैं. मैंने आपका डांस भी देखा, आपके स्टंट्स भी. अगर आप कुछ नहीं कर पाते हम तो फिर दुनिया में आए नहीं. ऐसी पता नहीं क्या करता है ये बंदा. सुपर्ब एनर्जी है, गॉड गिफ्ट भी होता है, ऊपर से आपकी मेहनत है, एक पैशन है, बचपन से सोच रखा था लक्ष्य, और आज आपकी बैक टू बैक पाजी ये तीसरी फिल्म सुपर डुपर हिट होने वाली है. धन्यवाद. मैं पहले बोल रहा हूँ जैकी, आपको रियल लाइफ में किस चीज से डर लगता है? डॉक्टर गुलाटी से डर. Very scary. मैं मरवा दूँ उसको. तुम बोलो सही जैकी. जैकी हाउ वाज योर ट्रिप? यू वेंट टू मॉल दिस ना? जी. और आंटी के साथ ना? दो दिन के लिए. मम्मी के साथ? मम्मी के साथ. मम्मी ने कहा नहीं कपिल को भी ले आते? नो बोला था, लेकिन मुझे पता था कि आप बहुत बिजी है तो इसलिए सॉरी. अच्छा हमें बिजी बोल रही, खुद हफ्ते में दूसरी फिल्म प्रमोट करने आ गई. अच्छा फिल्म में दिखाया कि टाइगर हाइट से डरते हैं, लेकिन जैकलीन को किस कर रहे हैं हाइट पे जाके? Really? उधर नहीं डर लगता तुम्हें? जैसे मैंने कहा मैं डर जाता जब मैं कुछ कर नहीं पाता, तो फिर आपने कर दिया तो डर भी गया मतलब. जी, डर के आगे जीत है बोलते तो. डर के आगे जीत है कि डर के आगे जैकी है? आप पता जब आप किसी को लाइक करते हो बहुत ज्यादा, तो जब तक आपका आई लव यू वाला मामला नहीं ना हुआ कि और कैसे हैं आप, अच्छे हैं और खाना खाया कल, तब तक मामला सही रहता है. उसके बाद काम खराब ही होता है मैंने देखा. तो ये वहीं तक ही रहना चाहिए. आई लव यू. उन्होंने काम खराब कर दिया जैकी. अच्छा जैकी, जैसे कि आपने दो तीन एपिसोड पहले देखा, डिशुम की प्रमोशन के लिए यहाँ आई थी. आपकी डिशुम बहुत अच्छी सुपर डुपर हिट रही है, आपको बहुत बहुत मुबारक. और जब वरुण के साथ आई थी तो डिशुम में भी इन्होंने कहीं तो हाइट पे उल्टा लटक के वो इनको किस कर रहा था. हाँ. इसमें अभी टाइगर ने किया है. तो जो लड़के उल्टा लटकते हैं, मतलब जो लोग सोफा पे बैठे रहते हैं, उनका कोई स्कोप नहीं है? मैं पूछ लेता ना, कल को नेक्स्ट फिल्म के लिए जैकी आया तो मैं भी उल्टा लटकाऊंगा. So you only like flying guys? Flying. लेकिन कपिल आप एक सुपरहीरो भी है. What kind of superhero? Sitting on a couch superhero. अच्छा अक्षय कुमार, आपको पता है जैकी? जी. हमारे शो में आने वाले, सबसे ज्यादा बार आने वाले जो बॉलीवुड स्टार हैं, वो दो महीने में एक बार आ ही जाते हैं. हाँ. तो आप दो हफ्ते में दूसरी बार आ गई हैं, इससे मैं क्या समझूं? ओके जैकी, आई वाज जस्ट किडिंग. यू आर कंफर्टेबल? यू वांट टू हैव समथिंग
कोल्ड ड्रिंक सम टी चाय नहीं ये खाली है ओके यू डोंट हैव सम ग्रीन टी और कॉफी के ग्रीन टी मैंने वैसे ही पूछा था है नहीं मेरे पास प्लीज से नो सीरियसली यू वांट ग्रीन टी वन ग्रीन टी प्लीज टाइगर आपके लिए सर मैं भी ग्रीन टी लूंगा टाइगर के लिए भी ग्रीन टी यस सर हनी तो नहीं नहीं बिल्कुल नहीं प्लेन प्लेन आपके लिए जिंजर नींबू जिंजर नो आई एम जोकिंग अच्छा काली ग्रीन टी ग्रीन टी पुट सम डायमंड्स वी हैव अ बिग बजट जैकी वाओ आई एम इंप्रेस्ड और जो कप है उस पे जरी का काम हुआ होना चाहिए अच्छा जैकलिन को लोग जैकी बुलाते हैं प्यार से टाइगर जब कभी आपको कोई असिस्टेंट डायरेक्टर आके बोलते थे कि अभी सर 15 मिनट बाद आपका शॉट है और आपको जैकी के साथ रोमांस करना है आपको एकदम से पापा का चेहरा नहीं सामने आता हमेशा सर हमेशा तो फिर आप कैसे निकालते थे कि नहीं 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 मुझे तो जैकलिन के साथ रोमांस करना है जैकी वैसे कभी कभी आए थे जैकी सर आए थे सेट पे हाँ आए थे जब मैं क्लाइमैक्स शूट कर रहा था तो उस वक्त जैकलिन नहीं थी ओके तो और दो पिक्चर के बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा बढ़ी है तो मैं पापा बुलाता हूँ कभी भी सेट पे अच्छा नहीं तो उनके सामने मैं परफॉर्म नहीं कर पाता और अभी अभी तो खुल गए होंगे आप नहीं नहीं उतना नहीं नहीं पापा को बोलो पापा बैक टू बैक टू हिट्स एंड थर्ड इज अबाउट टू हिट किस्मत अच्छी है मेरी बस और कुछ नहीं बच्चों में तो टाइगर का क्रेज इतना है जैसे जैसे लड़कियों में मेरा नहीं है वैसे मतलब है तू अपने मुंह शादी मुबारक कर ही जा रहा है तो मैं क्या करूं इनकी फिल्म तो हो गई कपिल शर्मा शो में प्रमोट तो मेरी अपनी प्रमोशन कहां पे होगी कैसा खराब टाइम आ गया ये तीखा ही नहीं हो रहा देखो मैं कितनी ट्राई कर रहा हूँ हो ही नहीं रहा तीखा कैसे मैं किसी को इंजेक्शन दूंगा एज ए डॉक्टर मेरे चीजें बड़ी घटिया आने लगी हैं सिद्धू साहब डॉक्टर साहब ये क्या कर रहे हैं आप है कप शट अप ये क्या कर रहे हैं आप बिना निडल के इंजेक्शन घिस रहे हैं आप बिना साबुन के भी नहा ही लेता है ना तो ये भी तो घिस सकता है ना तो घिस रहा हूँ मैं Oh, excuse me. Let me talk to them. Hi, I'm Dr. Mishra. इधर बैठो उधर के पास ही बैठ रहा उसके इधर बैठिए ना आप इधर कौन सा सोफा लगा हुआ है भाई हैं इधर बिठा रहे हो चलिए मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ आइए हाँ इधर बैठिए ना आप इधर बैठिए आप हमारे मेहमान हैं डॉक्टर साहब आप आराम से बैठिए इधर से कौन बैठाता है यार अरे आप उधर जैकी आई देखिए आपकी पता कितनी बदनामी पूरी इंडस्ट्री में बात तो कर लीजिए वो भी जैकी कह रही थी मुझे डॉक्टर गुलाटी से डर लगता है आपकी वजह से बदनामी हो रही पूरी इंडस्ट्री में हमारी इतनी तो मेरी बदनामी तुम कर रहे हो जितनी उसने नहीं की मेरी अंडरलाइन कर रहे हो बार-बार अंडरलाइन कर रहे हो बार-बार आपकी वजह से मेरे बहुत ज्यादा बदनामी हो रही मैं बता रहा हूं मेरे क्या रेपुटेशन रह जाएगी भाई है ही नहीं तो कहां रहेगी बेटो हाय जैकी हाय डॉक्टर हाय टाइगर हाय जैकी स्ट्रेस मत लेना ये ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा नहीं है तो रिलैक्स ओके कपिल आई एम नॉट टेकिंग स्ट्रेस एट ऑल क्या कर रहे हैं आप डॉक्टर साहब आप एक तो हमारे मेहमान आए घुसाए हैं तो बदतमीजी कर रहे हैं आप लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ आई एम डॉक्टर मशहूर गुलाटी बीजेपी बीजेपी क्या मतलब अरे सिद्धू साहब आप अपने मतलब की बात मत कर रहे हो और क्या करूं बीजेपी मतलब कि बहुत ज्यादा परेशान मैं हूँ इसका मतलब ये है आप तो इनको जानती हैं yes, yeah. टाइगर को बताओ टाइगर ये बहुत अच्छे डॉक्टर है okay. ये बेसिकली क्या करते हैं जो सिरिंज होती है ना नीडल होती है जी. उससे कपड़े सिल लेते हैं और फिर ये तीखा करके उसको मरीज को लगाते हैं आपको शर्म नहीं आती नहीं नहीं ऐसा मैं तब करता हूँ जब कोई इमरजेंसी केस होता है इमरजेंसी अरे बरसाती फोड़े के अलावा कौन सी इमरजेंसी आती है आपके पास
इधर बैठ के बात करिए ना आप. अरे बैठिए डॉक्टर साहब, क्या कर रहे हैं आप? अरे यार बैठो, मैं आपको कुछ कह रहा हूँ, आप फिर वही बात करिए. बैठो आराम से बात करो. अरे सॉरी डॉक्टर साहब, डॉक्टर आप हर्ट हो गए. सॉरी. अरे आप हर्ट क्यों हो गए डॉक्टर साहब? आपको मैंने कभी कुछ कहा? ऐसे कौन पैसिफाई करता है यार मेरे को. अरे सॉरी सॉरी. ऐसे कौन पैसिफाई करता है? अरे सॉरी बाबा, मैंने बोला था आपको. नहीं नहीं मान लो, मैंने तो बैठ जाए. नहीं स्टैचू स्टैचू. नहीं तुम नहीं. अरे स्टैचू मैंने खड़े हो गए होना ना स्टैचू. अच्छा ठीक है, लेट मी टॉक. तो या वी वर टॉकिंग अबाउट एमरजेंसी केसेस. एमरजेंसी केसेस. एमरजेंसी केस में आदमी रिकॉग्नाइज करना जरूरी है कि वो ढूंढ सके कि हाँ ये इमरजेंसी केस है. जैसे कल एक बंदा आया मेरे को, कहते डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब, मेरा पजामा गलत जगह से फट गया. मैंने कहा इमरजेंसी केस है. फिर आपने क्या किया? आपने क्या किया? पजामा सिला होगा उसका और क्या? यार आई एम ए डॉक्टर, आई एम नॉट ए टेलर की सिलूंगा. मैंने स्टिचेस लगाए. इमरजेंसी केस एंड ही वाज फाइन. मैंने एक्चुअली मैंने सुना इमरजेंसी किस. नहीं किस तो फिर आपने मेरे दिल की बात सुन ली ना. ओके टाइगर, आई सॉ द ट्रेलर ऑफ योर फिल्म. वेरी वेरी नाइस जैकी, इट इज अ सुपर ट्रेलर. थैंक यू. एंड आई मस्ट से जैसे उसके अंदर आप सुपर हीरो बने, सुपर पावर मेरे अंदर भी बहुत ज्यादा है. अच्छा कैसे? कैसे? जैसे आप यहाँ बैठे हैं, मैं अपनी पावर से आपको 5 फुट दूर से 5 फुट ऊपर उठा सकता हूँ. अच्छा ओके. डोंट डिस्ट्रस्ट मी. ओके उसको फटाफट. डॉक्टर शुक्र है 5 फीट की दूरी से कर रहे थे, 10 फीट की दूरी से करते पता नहीं क्या क्या खुल जाता. वाओ, आई हैव नेवर सीन अ सुपर पावर लाइक दिस. सुपर पावर कहां से? मैंने तो आप पहचाना, मेरे दादाजी का कच्चा नहीं मिल रहा था, आपने पहना हुआ है वो. घटिया पड़ोसी हैं ये लोग. क्या हुआ डॉक्टर? इसने मेरा अपमान किया है भरी सभा में. मैं आज यहाँ पर प्रतिज्ञा लेता हूँ, किस अपमान का प्रतिशोध मैं लेकर रहूंगा. आगे से थोड़ा सा लेफ्ट राइट लीजिए. एक साथ लेफ्ट राइट कौन लेता है? अरे डायरेक्शन और कोरियोग्राफी दोनों साथ में कर लेते हैं. तो क्या हम कुछ बोले? चलिए कोई बात नहीं, उतर जाते हैं. आइए आइए. वैसे भी हमारी डेस्टिनी आ गई है. ए डेस्टिनी नहीं डेस्टिनेशन होता है. लेकिन हमारी तो डेस्टिनी है यहाँ पर. ये कौन है? नहीं सवाल नहीं पूछ रहे हैं, बता रहे हैं कौन? ये कौन? ओके ओके. पहले रेमो सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए. रेमो सर आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है. रेमो सर एक बात बताइए, आपकी सारी फिल्में हिट जा रही हैं, तो आप ये ट्रैक्टर क्यों खींच रहे थे? मैं एक्चुअली सिद्धुपा जी ये दोनों मुझे छोड़ के आ गए थे. मैं वहां भटक रहा था, मैंने इनसे बोला कि मुझे यहाँ जाना है, खुद पीछे बैठ गया मेरे को यहाँ से यहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ. और इनको मैं वही सोचूं यार, इतना बड़ा ट्रैक्टर, उनको ट्रैक्टर खींचने की क्या जरूरत है? ए झूठा है. और पहले तो आप जरा अपना एडुकेशन ना बचपन में थोड़ा अपने शरीर में घुसड़े होते तो आपको पता होता कि ये ट्रैक्टर नहीं है, रिक्शा है. मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ. रिक्शा के ऊपर ट्रैक्टर क्यों खींच रहे थे? हम ट्रैक्टर हैं, हम पे इसका फट 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 की आवाज आती है.
तुम खुद ही क्लियर कर रही हो तुम्हारे कहां कहां से क्या क्या आवाज आती है पागल कहीं की. एक एक काम कीजिए, हम रिक्शा में आपको यहाँ पर लेके आए हैं, चलिए रिक्शा का भाड़ा निकालिए 2 लाख रुपया. कैश तो नहीं है, एक मिनट. एक स्टेप का 1 लाख रुपए, 2 लाख हो गया. हाँ, महंगे ट्रैक्टर है. लीजिए 3 लाख का स्टेप तो हम कर दिए. अभी आपके ऊपर चढ़ गए, 1 लाख रुपया निकालिए. हेलो. हाँ हेलो, हाय हाउ आर यू. शट अप. ये बहुत भोली, ऐसे नहीं जाएगी. इसके मुंह पे गर्मा गर्म फ्लाइंग किक मारी ना. एक मिनट रुकिए, ये आदमी को हम जानते हैं, ये लड़की को आंख नहीं मारते, फ्लाइंग किक क्या मारेंगे. बहुत ही सीधे साधे आदमी है. इनका नाम तो टाइगर श्रॉफ नहीं, टाइगर शरीफ होना चाहिए. और जितना तुम 16 तरफ से बढ़ रही हो ना, तुम्हारा नाम संतोष नहीं असंतोष होना चाहिए. देखिए, हमारे साइड से हमको खुद को जितना प्रॉब्लम नहीं है, उसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको. ऐसा क्यों? हम क्या अपना पेटीकोट सिलने के लिए दिए हैं आपको? साइज 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 लगा रखे. अरे संतोष, तुम खड़ी क्यों हो? भागो ना यहां से. क्या तरीका है बात करने का? अरे मैंने कहा आप खड़ी हैं, भाग लीजिए थोड़ा. अरे क्यों भागे हैं? देखिए यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे लोग आए हुए हैं. तो वही तो बोल रहा हूँ. रेमो सर आइए. रेमो सर को चेयर पे नहीं बैठना, उनके प्रॉब्लम है. आइए, आप बीन बैग पे बैठिए. आइए, चलिए उधर. आपको इसलिए कहा था, आप रिक्शा में बिठा के ले आए उसको. पर आपको बताएं, हमने ना बैली डांसिंग सीखे हैं. दिखाएं आपको. पहले ये ट्रैक्टर पीछे करो आप. बैली डांसिंग. अभी तो इसने नॉर्मली किया है, कभी जोर से करती हो तो फाड़ के निकल जाता है. मैं आपके आने से पहले मुबारकबाद दे चुका हूँ जैकी और टाइगर को. आपका ट्रेलर बहुत ही कमाल का सर. थैंक यू सो मच. रेमो सर, मेरे को एक्चुअली थोड़ी सी ऐसे दिल की बात करने जाता था कि आपको डांस के ऊपर ही फिल्म बनानी चाहिए थी, आपको रोमांटिक फिल्म नहीं बनानी चाहिए थी. आपने बिकॉज जैकी और टाइगर का जो किस करवाया, मेरे ख्याल से जनता काफी नाराज है उस चीज से. जनता नाराज है? जनता, जनता में काफी रोष है इस चीज को लेके. दिख रहा है वो. आप मुझे जनता समझ रहे हैं? मैं भी जनता का ही पार्ट हूँ. और उस किस सीन में ना, do you want to tell them the story? हाँ. रेमो कट भी नहीं किया. कहा एक्चुअली मैं बता दूं, उनको मजा आने लगा होगा ना. आदमी क्यों कट करवाएगा? क्या था कि सीन था और मैंने कहा था कि आप लोग क्लोज आना और फिर मैं कट बोल दूंगा. तो अब जितना क्लोज आएंगे उतना मैं कट बोल दूंगा. लोगों को आजकल लग जाता है ना कि क्लोज आया किसका. जी जी जी. अब मैंने रोल कैमरा कहा और मैंने कहा एक्शन, ये लोग दोनों क्लोज गए और मैं देखता था क्लोज गए क्लोज गए. इन्होंने कट सुना ही नहीं और मैंने कट बोला ही नहीं. और अच्छा, आपकी एक गलती की वजह से किसी पूरे परिवार को इस समय ईर्ष्या हो रही. मम्मी He's the guy. और रुके नहीं, उसके बाद हटे भी एक बार किस किया, उसके बाद वापस हटे. फिर उन्होंने देखा कि कभी भी कट नहीं बोला तो फिर वापस किस किया. ध्यान से देखिए इस इंसान का चेहरा. बोला भाला दिखने वाला ये प्राणी डायरेक्टर के कट को अनसुना कर देता है जब सीन मनचाहा हो. सर, इस फिल्म में आपने टाइगर को मेन लीड में लिया है तो डांस और एक्शन तो ये खुद ही संभाल लेते होंगे, तो आप क्या सेट पे जैकलिन को संभालने गए थे? मतलब भाभी, सॉरी, ऐसे हमारी भाभी जी भी यहाँ पे हैं और सॉरी कह सकता हूं मैं. अच्छा, मैंने एक चीज नोट की है भाभी, जब से रेमो सर की फिल्में धड़ाधड़ बैक टू बैक हो रही ना, आपका ग्लो बढ़ता ही जा रहा है. भाभी, हाउ आर यू? गुड. फाइन फाइन. आप बहुत प्यारी लग रही हैं हमेशा की तरह. थैंक यू. आप जाती थी सेट पे कि नहीं शूट पे? या
वो हमारी को प्रोड्यूसर हैं। So by default, yes. तो जो आपकी पहली फ्रेंड्स थी उनसे भी आप बात करते हैं कि नहीं करती? नहीं होता ना कभी, प्लीज। माई हस्बैंड इज डूइंग वेरी वेल, सो यू, आपकी पुरानी फ्रेंड्स वही हैं भाभी? एक्चुअली मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड अहमद खान की वाइफ है जी, जो बाई लक वी आर जस्ट अ फ्लोर अपार्ट। तो एक्चुअली रेमो और अहमद दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि हम लोग पूरा टाइम बात करते रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप पूरा टाइम बात करते तभी तो ये फिल्म डायरेक्ट कर पाते हैं। अगर आप पूरा टाइम इनके पीछे रहे तो ये फिल्में कब बनाएंगे? ओके, हमारी भाभी के लिए जोरदार तालियां। पाजी आपको पता है रेमो सर ने पहली फिल्म डायरेक्ट की थी फालतू, फालतू फिल्म का नाम था और बड़ी हिट फिल्म थी। जस्टिफिकेशन देने की क्या जरूरत पड़ी थी? नहीं मैं बता दूं, मैं कि आप फिल्में कम देखते हैं इसलिए, फालतू बड़ी हिट फिल्म थी। तो सर आपने उसी समय सोच लिया था कि जब फालतू फिल्म हिट हो गई तो डांस वाली तो होएगी होएगी। मैं किसी को भी बोलता था कि मेरी आपकी पहली फिल्म कौन सी है, मैं बोलता था फालतू, नहीं नहीं अच्छी फिल्म बनाई होगी कौन सी। पर वो वाकई बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। हाँ, तो वो चल गई और उसके बाद नहीं, उसके बाद भी मुझे स्ट्रगल करना पड़ा सेकंड फिल्म के लिए, एबीसीडी के लिए, एबीसीडी के लिए, और फिर एबीसीडी टू, फिर एबीसीडी टू। उनमें एक बहुत अच्छे काफी पॉपुलर है, उनका एक कैमियो भी था। यस, बहुत बहुत पॉपुलर और बहुत ही मेरे लकी, ही इज अ वेरी टैलेंटेड, टैलेंटेड है बहुत सर। देन व्हाई डोंट यू, दो लोग हैं सर, दो लोग हैं। हाँ, उनको भी नहीं पता होगा, उनको बता दो पहले। एबीसीडी टू में आप और मैं दोनों भी हैं एक सीन में। हाँ, याद आ गया, याद आ गया। आपको पता ही नहीं कहाँ कहाँ फिल्में कर रहे हैं आप, इतने पॉपुलर। अभी रेमो सर ने डांस की फिल्में दो बनाई डांस के ऊपर बेस्ड, एबीसीडी और एबीसीडी टू। फिर उसके बाद अभी रोमांटिक एक्शन कॉमेडी काफी कुछ है इस फिल्म में, बहुत कुछ है। तो आप डांस के बहाने पहले डायरेक्शन में घुसे, अभी डायरेक्शन के बहाने आप रोमांस में घुस रहे हैं। तो सर और कितने दूर तक घुसने का इरादा है? आई मीन कॉमेडी फिल्म वगैरह आप कब बना रहे हैं? बहुत जल्दी, और मेरे पास एक एक्टर भी दिमाग में है। सर पहले बता देना, ही इज वेरी बिजी गाय। अरे मैं आपके पास क्यों स्ट्रगल कर रहा हूं भाभी, हाउ आर यू, जिंदाबाद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।